हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा संसार जहां हर किसी के लिए एक सुरक्षित और अफोर्डेबल घर हो। भारत में पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन और इनकम दोनों ही बढ़ी है और इसी कारण हाउसिंग की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 तक 4 करोड़ ऐसे इंडियन हाउसहोल्ड्स थे जिनके पास घर नहीं था और बेसिक एमिनिटीज भी नहीं थी। और इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट कॉस्ट इफेक्टिव होम्स बिल्ड करके सबको अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा देना चाहती थी। साथ ही गवर्नमेंट ने 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल को अचीव करने का अपना गोल भी सामने रखा। इनफैक्ट 2023 के बजट में पीएम आवास योजना के बजटरी अलॉटमेंट को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। इस एक्स्ट्रा फंडिंग से स्कीम को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलने वाला है, लेकिन इसका फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपको पीएम आवास योजना के बारे में सारी जानकारी हो। और आज के इस वीडियो में हमने यही करने का ट्राई किया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएम आवास योजना की एलिजिबिलिटी क्या है, इस स्कीम की डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं और किन किन तरीकों से आप इसका लाभ ले सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप कैसे पीएम आवास योजना में अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में हम स्कीम के कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। इंडिया के अर्बन और रूरल एरियाज में हाउसिंग क्राइसिस को खत्म करने के लिए पीएम आवास योजना, इन शॉर्ट PMAY को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंडर अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा घर बिल्ड किए गए हैं। पीएम आवास योजना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, PMAY ग्रामीण और PMAY अर्बन। PMAY ग्रामीण का मेन गोल रूरल एरियाज में कच्चे घरों को पक्के घरों से रिप्लेस करके वहां हाउसिंग डेफिसिट को खत्म करना है। इस स्कीम में 4 करोड़ घर बिल्ड करने का प्लान है और दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया था। PMAY ग्रामीण स्कीम में जनरली एक घर को बिल्ड करने में ऑन एन एवरेज 114 दिनों का टाइम लगता है। इस स्कीम के मुताबिक ग्रामीण में यूनिट की जो साइज है वो मिनिमम 269 स्क्वायर फीट की है। अब बात करते हैं फंड एलोकेशन की। तो यहाँ सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कॉस्ट शेयर करते हैं 60:40 के रेशियो में। ये प्लेन एरियाज की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो प्राइस हेल्प है वो 1.2 लाख रुपीज है पर यूनिट के लिए। अब रिमोट एरियाज और साथ ही जो हिमालयन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जम्मू और कश्मीर की बात करें तो इसमें जो रेशियो है कॉस्ट का वो 90:10 है और हर यूनिट के लिए जो प्राइस हेल्प है वो 1.3 लाख रुपीस की है। यूनियन टेरिटरी में सेंटर ही पूरी कॉस्ट को बेयर करता है। अब बेनिफिशियरीज कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस के बेस पर बेनिफिशियरीज डिसाइड होते हैं और उसके बाद ये ग्राम सभा से वेरीफाई किया जाता है। चल अब PMAY अर्बन स्कीम की अगर बात करें तो इसे 25 जून 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट का गोल इंडिया के मेट्रोपॉलिटन एरियाज में 2 करोड़ हाउसेस को बिल्ड करना है, जिसमें से जुलाई 2023 तक 119 लाख से भी ज्यादा घर को सैंक्शन कर दिया गया है। अर्बन स्कीम की कंप्लीशन डेट को भी 31 मार्च 2022 से एक्सटेंड करके अब 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। अब बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी के लिए अर्बन और ग्रामीण दोनों पीएस आवास योजनाओं में सेम रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें सबसे पहले तो एप्लीकेंट के पास ऑलरेडी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, ना उनके पास और ना ही उनके फैमिली मेंबर के नाम पर। लेकिन अगर किसी के पास 21 स्क्वायर मीटर्स का पक्का घर है जिसे वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली PMAY स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस के रिगार्डलेस ऐसे अडल्ट जो हाउसहोल्ड में वेज अर्नर्स हैं वो सारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं। और मैरिड कपल के केस में दोनों में से अगर कोई एक स्पाउस भी फैमिली इनकम एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो वो कपल जॉइंट ओनरशिप में एक सिंगल रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए अब पीएम आवास योजना की डिफरेंट कैटेगरीज को भी समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें 3 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, जहां उन्हें अप टू 6 लाख रुपीज तक के लोन पर 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। सिमिलरली एलआईजी कैटेगरी यानी लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी में भी एप्लीकेंट्स 6 लाख रुपीज तक के लोन पर 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में एप्लीकेंट्स की इनकम 3 लाख रुपीज से लेके 6 लाख रुपीज के बीच होती है। पीएम आवास योजना में तीसरी कैटेगरी MIG1 या फिर मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी है, जहां अगर एप्लीकेंट की इनकम 6 लाख रुपीज से 12 लाख रुपीज के बीच है तो उन्हें अप टू 9 लाख रुपीज के लोन पर 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। PMAY में लास्ट कैटेगरी इज MIG2 यानी मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी, जिसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एनुअल इनकम 12 लाख से लेके 18 लाख रुपए के बीच वैरी करती है, और ऐसे एप्लीकेंट्स 12 लाख रुपीज तक के लोन अमाउंट के लिए और 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल होते हैं। पीएम आवास योजना के इन डिफरेंट कैटेगरीज में इंटरेस्ट सब्सिडी और लोन अमाउंट तो वैरी करता ही है, साथ ही इन कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स के लिए कारपेट एरिया भी डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस में अपार्टमेंट के नेट यूजेबल फ्लोर एरिया को कारपेट एरिया कहा जाता है, तो EWS और LIG कैटेगरी के बेनिफिशियरीज के लिए ये कारपेट एरिया 30 और 60 स्क्वायर मीटर्स की रेंज में होता है। वहीं MIG1 और MIG2 एप्लीकेंट्स के लिए हाउस का कारपेट एरिया 160 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर्स रिस्पेक्टिवली होता है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हाउसिंग फॉर ऑल का इनिशिएटिव है, इसे डिलीवर करने के लिए गवर्नमेंट ने 4 स्कीमेटिक वर्टिकल्स बनाकर रखे हैं, जिसमें पहला है इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, दैट इज ISSR, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हेल्प से क्वालिफाइड स्लम इनहेबिटेंट्स को रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और इसके लिए 1 लाख रुपए का ग्रांट भी दिया जाता है। PMAY का सेकेंड वर्टिकल क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम यानी CLSS है, और इस स्कीम के अंडर न्यू होम बिल्डिंग्स और रिफर्बिशमेंट्स के लिए सेंट्रल सब्सिडी पर 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक के लो इंटरेस्ट होम लोन्स ऑफर किए जाते हैं। द थर्ड वर्टिकल इज अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, दैट इज AHP। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स को 1.5 लाख रुपीज की सेंट्रल फंडिंग दी जाती है, और ये कहा जाता है कि वो प्राइवेट सेक्टर या फिर फेडरल एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप करके EWS कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एप्लीकेंट्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करें। पीएम आवास योजना का लास्ट वर्टिकल है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट, दैट इज BLC। इसमें भी EWS एप्लीकेंट्स को गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपीज प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपना नया घर बना पाए या एग्जिस्टिंग घर में इम्प्रूवमेंट्स कर सके। अब एप्लीकेंट चाहे किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, पीएम आवास योजना में अप्लाई करने की जो प्रोसेस है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, सबके लिए एक ही है। ऑनलाइन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको PMAY के पोर्टल, दैट इज PMAYMIS.gov.in को विजिट करना है। साइट के होम पेज पर सिटीजन असेसमेंट का एक बटन दिखेगा, उसके अंदर आपको अप्लाई ऑनलाइन की लिंक को क्लिक करना है, और इसके बाद आपको अभी डिस्कस किए गए 4 वर्टिकल्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अगर आप CLSS वर्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके होम लोन लेंडर को कुछ ही टाइम में आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी। पीएम आवास योजना की ऑफलाइन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको अपने नियर बाय कॉमन सर्विस सेंटर को विजिट करना है, और वहां से आपको अपना रिलेवेंट सब्सिडी फॉर्म खरीदना है, जिसके लिए एक मिनिमल फी ऑफ 25 रुपीज प्लस GST पे करना होता है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करके उसी सेंटर पर सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेटस को चेक करने के लिए सिंपली आपको पीएम आवास योजना के वही पोर्टल PMAYMIS.gov.in में लॉगिन करना है, और फिर वहां ट्रैक एप्लीकेशन के ऑप्शन में जाके आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं, पर ये तभी होगा जब आप पोर्टल के प्रॉम्प्ट्स को सही से फॉलो करेंगे।
पीएम आवास योजना में सब्सिडी क्लेम करते वक्त इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के फॉलोइंग सेक्शंस के अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C के अंदर आप अपने होम लोन के प्रिंसिपल में से 1.5 लाख रुपीज को एनुअली डिडक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, सेक्शन 24B में भी आप 2 लाख रुपीज तक के होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो सेक्शन 80EE के अंडर आप 50,000 रुपीज तक के एनुअल टैक्स ब्रेक के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं ऐसे एप्लीकेंट्स जो फर्स्ट टाइम बायर हैं और जिनका घर अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आता है, वो सेक्शन 80EE के अंडर अपने होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट पर 1.5 लाख रुपीज तक का एनुअल डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर आप ऐसी कोई और स्कीम्स के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और फाइव पैसा के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।